जाके बैठ गए थे, मैं अपनी जमात में चीख चीख कर कहता रहा कि ये शख्स पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ है, इसका बकवास करें, ये आज भी नुकसान करेगा, ये कल भी नुकसान करेगा। मैंने हर वक्त ये आवाज उठाई कि पाकिस्तान का मुफाद अजीज नहीं। उसको नहीं पता था कि चाइनीज प्रेसिडेंट यहाँ पर टीपैक के ऊपर अमल दरामद कराने, MOU साइन करने, मुआयदा देने, पाकिस्तान के अंदर से 18-18 घंटे की लोड शेडिंग को खत्म करने, पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रियल पार्क बनवाने, ये सब करने चाइना आपकी हैंड होल्डिंग करने आ रहे हैं। लेकिन ये शख्स वहां मजमा लगा के अपने चंद हवाले के साथ पाकिस्तान के कैपिटल, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, स्टेट गेस्ट हाउस, जो हमारा प्रेसिडेंट हाउस है, बाकी जितने एस्टेब्लिशमेंट के दफातर, उनके सामने चंद बलवाइयों को लेके बैठा था और पाकिस्तान के अंदर वो हाल पैदा कर रहा था कि खुदा न खास्ता के सोमालिया की, ये मैंने भी देखा और आपने भी देखा, इसके जराइम की फहरिस्त बहुत तवील है, छोटे जराइम नहीं है, और ऐसे संगीन और घराने जराइम है। मैं बुरा समझता हूँ कि जब आप गद्दारी के फतवे बांटे, मैं इसको कोई गद्दारी का तंगा देने नहीं है, लेकिन मैं आपको वो इकदाम बता रहा हूँ जिसके साथ इस शख्स की तारीख अटी पड़ी। इसके एक एक इकदाम को आप देखें, देखें किसी पैमाने पर जानते, वो हुबे पाकिस्तान में नहीं, वो बुग्ज़ है पाकिस्तान में। ये शख्स किसी एक खास एजेंडे पर हो सकता है और मुझे इस चीज के मेरे पास एविडेंसेस है, तारीख साबित करेगी कि जो ये कर रहा है, ये तकसीम दर तकसीम करना चाहता है, ये शख्स पाकिस्तान की रियासत की बुनियादें हिलाना चाहते हैं, ये पाकिस्तान के आइन को एक कागज के टुकड़े से ज्यादा नहीं समझता। इसके लिए इक्तदार हो तो ये आइन उसको बुनियाद बनाकर दे कि ऐसे अमल करना है। अगर इसके खिलाफ उस आइन पाकिस्तान के अंदर कोई भी एक ऐसा पहलू हो, उन वर्कों को ये अपने इन उमर सरफराजों के हाथों, कासिम सूरियों के हाथों, जो कि इस रियासत पाकिस्तान के आइन के ऊपर एक कालक से ज्यादा नहीं है, उनके हाथों के पामाल रोज करवाता है। मैं उनकी देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं, और अगर फैसला आवाम ने करना है, देयर इज अ डिवाइडेड थॉट, एक पॉइंट है, उस पर कमीशन क्या कर सकता है। अब मैं इस चीज को एडवोकेट हूं विद इन द पार्टी कि ना सिर्फ मेरा गवर्नमेंट से, फेडरल गवर्नमेंट से ये इसरार है कि ये एक ऐसा, इट्स एन ओपन एंड शट केस, कौन सी गद्दारी, कैसी गद्दारी, कौन से कैरेक्टर्स, यानी मैं इसके खिलाफ इस सियासत में शामिल हूं कि इसकी हुकूमत गिरे। मैंने पंजाब असेंबली के मेंबरान के साथ आज से 6 माह पहले जनफर चीना मुझे आकर ओथ पर कहें कि उसने पिछले बजट के दौरान मुझसे यह नहीं कहा कि इमरान खान की पॉलिसियों पे अदम एतमाद है और 30 के करीब अराकीन आपके साथ शामिल होना चाहते हैं। क्या ये अलीम खान साहब के ऊपर कई मुकदमात इस अदम एतमाद पर हुए? क्या वो किसी सफारतकार के कहने पर आए? क्या ये जो असद खोखर हैं, इनको किसी ने कहा कि कब से इनकी नाराजगी है? इनमें से कौन शख्स इस अदम एतमाद के मौके पर अपनी पार्टी से डिफेक्ट किया? क्या जहांगीर खान तरीन के ऊपर कई मुकदमात? अब आपको याद आया कि वो मुझसे ये नफा लेना चाहते थे जब आप उनके पैसे पर पल रहे थे, आपके घर का किचन चल रहा था, आपकी पॉलिटिकल पार्टी अलीम खान की उस गटसी की बेसिस पर जिस पर आपने ये अपना पूरा स्ट्रक्चर बनाया, वो आपके साथ कर रहे थे, तब आपको उसके साथ मामला याद नहीं थे, पता नहीं था क्यों क्या, हमें तो पता नहीं आप सुनते, बिकॉज वी नो इट। हम जाती तौर पर उन साहब को भी जानते हैं और आपको भी जानते हैं कि आप एक लोग, आपने जिंदगी में अपनी जेब से कभी खर्च नहीं किया, उन लोगों के पास पल रहे थे, अब आपके पास उस समय ऐसे नहीं होंगे, उम्र के बाद आपके पास आ गए, चकली भी नजर आ गई, हमें पता है, लेकिन खुदा के पास, ये मत समझे कि जुबान सिर्फ आपके पास है।